जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं। दो लोग, लड़की लड़का, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, अगर कोई किसी से नाराज हो जाता है किसी भी बात पर, आपस में अनबन होती है, झगड़े हो जाते हैं, खट्टी मीठी बातें होती हैं, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ टकरार भी है। लेकिन टकरार कभी कभी इस तरह का रूप ले लेती है कि सामने वाला इंसान दूसरे को गलत दिखाई देने लगता है, या वो उससे दूर होना चाहता है, या फिर यूँ कहिए कि वो किसी और के आकर्षण में आ गया और जानबूझकर भी आपको धोखा दे सकता है। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, अच्छे खासे वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाते हैं, बहुत अच्छा जोड़ा, प्रेमी जोड़ा भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही आपके उस भटके हुए प्यार को, उस भटके हुए साथी को वापस लाने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय, बहुत ही शक्तिशाली टोटका आज हम आपको बताएंगे। बड़ा ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। इसे आप करें, आपका वो प्यार, वो प्रेम हमेशा के लिए आपके पास वापस आ जाएगा, और जो कुछ भी नाराजगी, जो कुछ भी मनमुटाव उसका होगा, सब होगा खत्म। उपाय को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, सुने व समझें, आपको इस उपाय से 100% लाभ होने वाला है। बहुत शक्तिशाली उपाय है, अगर आप इसे पूरे विश्वास, पूरे यकीन, पूरी तन्मयता के साथ कर लेते हैं तो वो मनुष्य जो आपसे अभी दूर हो रहा है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, लड़का है लड़की है, बस बिना कुछ देखे ही सीधा तड़प कर, बेचैन होकर आएगा आपके पास, और सिर्फ 3 घंटे में ये उपाय अपना काम शुरू कर देता है। सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों पर ऐसे छा जाओगे कि वो आपके बिना एक पल भी रहना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे ऐसा लगेगा जैसे मेरी जान निकल रही है आपके बिना। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस शक्तिशाली उपाय को। उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन, किसी भी समय। इस उपाय को करने के लिए आपने क्या, सबसे पहले आप स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी स्नान कर लें। कोई हमारे भाई बहन अगर स्नान नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें। उसके बाद आपने एक स्थान पर बैठना है, कोई भी साफ कपड़ा या आसन बिछाकर। बैठते समय अपनी दिशा पूर्व की रखें, ईस्ट की तरफ आपने मुख करके बैठना है। आपने एक नीम के पेड़ की छोटी सी छाल लेनी है, नीम का पेड़ अमूमन हर जगह मिलता है, नीम के पेड़ की आपने छाल ले लेनी है, उसे लेकर ही आपने बैठना है। साथ में आप थोड़ा सा पानी ले लें, कोई कटोरी हो, कुछ भी हो, और इस तरह की कोई वस्तु लें जिस पर आप इसे घिस सकें, कोई पत्थर लें या सिल हो सकती है उस पर आप इसे घिस सकते हैं। आप इसे घिसें, जब हल्का सा पानी लगाकर जब आप इसे घिसेंगे तो उसमें से भूरे रंग का, ब्राउन कलर का उसका पिसा हुआ भाग निकलेगा। उससे आपने क्या करना है, किसी भी माचिस की तीली या किसी की मदद से एक सफ़ेद कागज पर उस इंसान का जिसको आप प्रेम करते हैं, जिससे आप अपना रिश्ता संबंध ठीक करना चाहते हैं, उसे उसका नाम लिख दें, छोटा छोटा आराम से साफ साफ नाम लिखें। बस आपने पहला नाम ही लिखना है और उसके नीचे लिखेंगे नहंग, नहंग जैसे वीडियो में दिखाया गया है बिल्कुल वैसा ही। अब आपने क्या करना है, लिखने वाला ये सब एक तरफ हटा दें, इस कागज़ को सूखने दें। सूखने के बाद आपने इसे अपने सीधे हाथ पर पकड़ना है, इसे देखते हुए 5 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है और उसके बाद एक मंत्र उच्चारित कर लेना है, ओम नहंग न अंग अमुक त वश्यते वश्यते। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेंगे, पहला नाम, मुख्य नाम। ये मंत्र आपने 11 बार बोलना है, आप चाहे तो उल्टे हाथ की उंगलियों से गिन भी सकते हैं। उसके बाद उस स्थान से आप खड़े हो जाएं, इस कागज को घर से बाहर ले जाएं। ले जाने के बाद अपने घर के आंगन में, कहीं भी, घर का आंगन हो या घर में कोई गमला है, उसकी मिट्टी में से दबा दें। अगर गमला ना हो और आप ना ऐसे दबा पाएं गमले के अंदर, तो आप घर के जो 10 कदम के अंदर अंदर के दायरे में कहीं भी मिट्टी में दबा दें। ये आपके पास तरीका है इस उपाय को करने का। इसे करते ही मात्र 3 घंटे में सामने वाले इंसान पर इसका असर, इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। आशा करते हैं मित्रों, उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अब ध्यान गया, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।